हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर रितु जैन, मैं एक होम्योपैथिक कंसल्टेंट हूँ और आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करने वाली हूँ वो है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन मतलब कि यूरिन इन्फेक्शन, जो कि आज के डेट में बहुत कॉमन डिजीज़ हो चुकी है, स्पेशली फीमेल्स के लिए। होती तो ये सभी को है, मेल्स में भी होती है, बच्चों में भी हो जाती है, बड़ों में भी, बूढ़ों में भी देखी जाती है, बट सबसे ज़्यादा कॉमन देखी जाती है फीमेल्स में। और सबसे ज़्यादा परेशानी की बात ये हो जाती है कि इसके लिए इनको एंटीबायोटिक्स लेना होता है, और जिनको रिकरेंट यूरिनरी इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं वहाँ पर रिकरेंसी बार बार एंटीबायोटिक लेने की वजह से आपको सेकेंडरी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, पेट में जलन होना, तो ये सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। तो उससे कैसे बचा जा सकता है और होम्योपैथिक से इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, तो होम्योपैथिक से आज मैं इसका ट्रीटमेंट स्पेशली अच्छे से बताने वाली हूँ। लेकिन शॉर्ट में पहले मैं आपको बताऊंगी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस होता क्या है। तो यूरिनरी ट्रैक पे पहले बात करेंगे कि ये यूरिनरी ट्रैक क्या होता है। तो यूरिनरी ट्रैक का मतलब होता है कि वो ट्रैक जहाँ से यूरिन बनता है, पास होता है, और जिस तरीके जहाँ पर स्टोर होता है और यूरिन पास होता है, तो ये पूरे जो ऑर्गन्स होते हैं यहाँ पर अगर इन्फेक्शन होते हैं, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तो वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाती है, सूजन आ जाती है, जिसके कई कारण कई सारे सिम्टम्स मिलते हैं। तो यूरिनरी ट्रैक जो होता है स्पेशली आपका किडनी से शुरू होता है कि किडनी में फिल्टर होता है आपका ब्लड, और वहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं, यूरिन बनता है और यूरेटर के थ्रू पास होते हैं, मतलब दोनों किडनियों के बाद जो एक दो पाइप होते हैं जो कि जहाँ से पास होते हैं और ब्लैडर में जाकर स्टोर होते हैं, और ब्लैडर के बाद स्फिंक्टर्स के थ्रू बाहर आते हैं। तो यहाँ पर अगर पूरे ट्रैक में कहीं भी इन्फेक्शन होता है तो उसी को बोला जाता है यूरिन इन्फेक्शन। तो यूरिन इन्फेक्शन जनरली दो टाइप से बोल सकते हैं कि अपर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन और लोअर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो अपर में जो होता है आपकी अगर किडनी में इन्वॉल्वमेंट हुआ है, अगर किडनी में इन्फेक्शन आ गया है, तो उसको जो है अपर यूटीआई बोला जाता है। अगर आपको स्पेशली यूरेटर में या ब्लैडर में आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो उसको लोअर ट्रैक इन्फेक्शन बोला जाता है। और जनरली ये एक्यूट एंड क्रॉनिक होते हैं, मतलब कि क्रॉनिक कंडीशन हो जाना मतलब कि रिकरेंसी होना, कि हर एक महीने में, हर 15 दिन में आपको बार बार इन्फेक्शन हो रहे हैं, तो उसको क्रॉनिक कंडीशन बोला जा सकता है, रिकरेंट यूटीआई बोला जाता है। और अगर आपको एक्यूट कंडीशन है कि कभी कभार आपको किसी वजह से इन्फेक्शन हो गया, जो कि मैं आगे कॉजेस बताऊंगी ही, उसकी वजह से आपको हुआ है, तो उसको एक्यूट कंडीशन ही बोली जाती है। जनरली एक्यूट कंडीशन ही होती है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है 15 डेज मैक्सिमम रहती है, और उसके बाद वो ठीक हो जाती है अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं, और अगर ट्रीटमेंट प्रॉपरली नहीं होता है तो रिकरेंसी धीरे धीरे बढ़ जाती है। तो चलिए अब जानते हैं इसके सिम्टम्स क्या आते हैं। तो स्पेशली आपको सिम्टम्स जो मिलेंगे वो मिलते हैं आपको यूरिन करते समय आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होना, बहुत पेन होना, बर्निंग सेंसेशन होना, साथ में आपको जो है यूरिन या तो बहुत ज़्यादा बार बार जाना, बार बार लग रही है आपको, कई बार बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होती है, कई बार क्वांटिटी बहुत कम होती है कि आप बार बार लग रही है, बार बार आपको सेंसेशन हो रहे हैं लेकिन आपको यूरिन पास नहीं हो पा रही है। यूरिन जो है 2 to 3 drops पास हो रही है लेकिन आपको उसमें डिफ़िकल्टीज़ बहुत ज़्यादा हो जा रही है, मतलब कि उसमें पास करने में आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, पास करने में बहुत परफोर्ट करना पड़ रहा है और यूरिन नहीं हो रही है। और कई बार उसमें जब इन्फेक्शन बढ़ जाता है तो वहाँ पर पस सेल्स देखी जाती हैं, वहाँ पर आपको ब्लीडिंग देखी जाती है, और वही इन्फेक्शन अगर बढ़ के किडनी तक पहुंच जाता है तो वहाँ पर आपको फीवर देखे जाते हैं, फीवर आना शुरू हो जाता है, कई बार हाई ग्रेड फीवर मिल जाता है, और हाई ग्रेड फीवर 102-103 तक फीवर हो जाता है, और आपको किडनी रीजन में स्पेशली बैक साइड में पेन होना शुरू हो जाता है। तो वहाँ पर अगर आपको ऐसे मिल रहा है मतलब कि आप जान जाइए कि वहाँ पर आपका जो है नेफ्राइटिस, मतलब कि किडनी में इन्फेक्शन होना, इन्फ्लामेशन आना शुरू हो गई है। तो सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली इसकी सबसे अच्छी डायग्नोसिस होती है, और अगर आपको इसके अलावा डायग्नोसिस भी कराई जाती है आपकी यूरिन टेस्ट के थ्रू, यूरिन अगर आप टेस्ट कराते हैं, यूरिन आरएम होता है, रूटीन एंड माइक्रोस्कोपिक, और यूरिन कल्चर, ये जो टेस्ट होते हैं जो कि आपको पैथोलॉजी के थ्रू टेस्ट करा सकते हैं। तो इसमें अगर आपके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं, आपको पस सेल्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स आई, एपिथेलियल सेल्स आ रहे हैं, ब्लीडिंग हो रही है, तो आपको चांसेस बढ़ गए हैं, तो वहाँ पर आपको ट्रीटमेंट लेना प्रॉपरली बहुत ज़रूरी होता है। और सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टीज यही होती है कि आपको यूरिन एक ऐसी चीज़ है कि आप दिन में 3 से 4 बार जाते ही हैं, लेकिन उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाए और डिफ़िकल्ट हो जाए तो आपका पूरा रूटीन डिस्टर्ब कर देती है।
तो चलिए अब मैं अब बात करती हूँ उसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में। तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट स्पेशली यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए होता है और काफ़ी इफेक्टिव है और अच्छे रिजल्ट देता है। तो इसमें मेडिसिन के बारे में आपको बताऊंगी, मैं कुछ मेडिसिन बताऊंगी जो टॉप ग्रेड मेडिसिन होती है, अगर उनको आपको ले लिया जाए तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और कुछ सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली आपको बताने वाली हूँ कि कौन से सिम्टम्स किस मेडिसिन के सबसे प्रोमिनेंट होते हैं। सबसे पहले टॉप ग्रेड मेडिसिन जो होती है वो है बर्बेरिस वल्गैरिस मेडिसिन। तो बर्बेरिस वल्गैरिस मेडिसिन आपके पूरे ट्रैक के लिए इफेक्टिव होती है। अगर आपको यूरिन आपको हो रही है, आपको रिनल इन्वॉल्वमेंट मतलब कि किडनी में भी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, रिनल स्टोन्स हो रहे हैं और उसकी वजह से इन्फेक्शन हो रहे हैं, तो वहाँ पर इफेक्टिव मेडिसिन हो जाती है आपकी बर्बेरिस वल्गैरिस। तो बर्बेरिस वल्गैरिस मेडिसिन जो है आपकी बहुत इफेक्टिव है और इसको मदर टिंचर फॉर्म में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। मदर टिंचर फॉर्म में इसको 15 से बूंद आधे कप पानी में डाल के दिन में 3 से 4 बार, अगर आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई हैं तो वहाँ पर इसको लिया जा सकता है। आपको पहले स्टार्टिंग में हर एक घंटे में कम से कम 3-4 घंटे कंटिन्यू एक एक घंटे में अगर ले लें और फिर दिन में बाकी की डोजेस कंप्लीट कर लें शाम को और रात में, तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं बर्बेरिस वल्गैरिस मेडिसिन से। दूसरी मेडिसिन होती है वो है कैंथरिस मेडिसिन। तो कैंथरिस मेडिसिन भी काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन होती है, जहाँ पर आपको यूरिनरी बार बार जाना पड़ रहा है, यूरिन जाने के बाद आपको बहुत थोड़ी सी यूरिन ड्रॉप में ही पास हो रही है, बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशंस हो रहे हैं, और यहाँ पर काफ़ी अच्छे रिजल्ट देती है कैंथरिस मेडिसिन। तो कैंथरिस मेडिसिन को भी आप इसको दोनों पोटेंसी में से तो यूज़ किया जाता है, लेकिन इसका मैं कॉम्बिनेशन बना देती हूँ वो है बर्बेरिस वल्गैरिस के साथ में। इसको भी मदर टिंचर फॉर्म में लीजिए और दोनों को मिक्स करके अगर आप 10 से 15 बूंद ले लेते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे अगर ये दो मेडिसिन मिक्स करके ले ली जाए तो। तीसरी मेडिसिन जो होती है वो है नाइट्रिक एसिड मेडिसिन। जहाँ पर आपके जो प्रोमिनेंट सिम्टम्स हैं वो हैं कि आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है यूरिन पास करने में, आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे कई सारी सुइयाँ चुभा दी गई हैं आपके, जब आप यूरिन पास करते हैं उस वक्त में बहुत ज़्यादा बर्निंग पेन है, स्प्रिंटर पेन है, कुछ फंसा हुआ लग रहा है, यूरिन पास नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पर जो है बहुत इफेक्टिव मेडिसिन हो जाती है नाइट्रिक एसिड मेडिसिन। नाइट्रिक एसिड मेडिसिन में अगर आपको पस फॉर्मेशन भी दिखाई दे रहे हैं, पस सेल्स भी दिखाई दे रही हैं आपको अगर यूरिन में आपके टेस्ट में, और साथ में आपको जो है प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ब्लीडिंग होने के भी चांस दिख रहे हैं, थोड़े से एपिथेलियल सेल्स दिख रही है, तो वहां पर बहुत इफेक्टिव मेडिसिन हो जाती है नाइट्रिक एसिड। और इसको जो पोटेंसी यूज की जाती है वो है 200 पोटेंसी में 2 ड्रॉप्स दिन में 2-3 टाइम्स आप यूज करेंगे तो आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तीसरी मेडिसिन जो होती है स्पेस के बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो मेडिसिन है आपकी मर्क सॉल। तो मर्क सॉल मेडिसिन जो स्पेशली वहाँ पर भी अगर आप यू पानी बहुत कम पीते हैं, पानी नहीं पी रहे हैं लेकिन आपको यूरिन बहुत ज़्यादा हो रही है, साथ में आपको पस सेल्स है, ब्लीडिंग्स है, म्यूकस आ रहा है, क्लाउडी यूरिन हो रही है, तो वहाँ पर बहुत इफेक्टिव मेडिसिन हो जाती है मर्क सॉल। अगर आपको बहुत ज़्यादा पसीना भी आता है मतलब कि पानी की कमी हो जा रही है, आपको यूरिन भी हो रहा है और साथ में स्वेटिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो यहाँ पर मेडिसिन हो जाती है मर्क सॉल। तो ये हर टाइप के इन्फेक्शन को ठीक करती है आपकी मर्क सॉल मेडिसिन, बहुत इफेक्टिव मेडिसिन हो जाती है मर्क सॉल मेडिसिन। तो इसको जनरली 30 पोटेंसी में यूज़ किया जाता है, 2 ड्रॉप्स दिन में 2 टाइम्स सफिशियंट डोज होता है मर्क सॉल मेडिसिन का। नेक्स्ट मेडिसिन जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है एक्वासिटम। एक्वासिटम मेडिसिन जहाँ पर आप पानी जो बार बार यूरिन जा रहे हैं, पानी भी खूब पी रहे हैं और जितना पानी पी रहे हैं उससे ज़्यादा आपको यूरिन पास हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपको यूरिन पास हो रहा है और बार बार जा रहे हैं, खूब सारी यूरिन हो रही है जिसकी वजह से आपको लग रहा है बॉडी में पानी की कमी हो सकती है, तो उसको रोकना ज़रूरी है, तो वहाँ पर आपके एक्वासिटम मेडिसिन बहुत इफेक्टिव हो जाती है और एक्वासिटम मेडिसिन को 200 पोटेंसी दिन में 2 टाइम्स यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट मेडिसिन, लास्ट मेडिसिन अब आपको मैं बता रही हूँ, और भी कई सारी मेडिसिन है बट ओके एक वीडियो में पॉसिबल नहीं होता है वो मेडिसिन को डिस्कशन करना। तो लास्ट मेडिसिन जो है स्पेशली जो यहाँ पर रिस्क फैक्टर्स होते हैं डायबिटीज़, तो डायबिटीज़ जिन लोगों को है और उसकी वजह से आपको यूरिन बार बार हो रहा है, बार बार यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन हो रहा है, तो वहाँ पर आपकी मेडिसिन जो हो जाती है वो है आपकी जैसे यूरेनियम नाइट्रिकम। तो डायबिटिक की वजह से आपको अगर प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो रहे हैं और आपको जो है वहाँ पर रात में स्पेशली यूरिन ज़्यादा जाना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा हो रही है यूरिन, और वहाँ पर जो है डायबिटिक पेशेंट को बहुत इफेक्टिव मेडिसिन होती है यूरेनियम नाइट्रिकम। इसको भी स्पेशली अगर आप 200 पोटेंसी में यूज़ करते हैं, दिन में 2 टाइम्स यूज़ करते हैं और स्पेशली नाइट में ज़रूर यूज़ करिए इसको रात में सोने से पहले, तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको यूरेनियम नाइट्रिकम मेडिसिन के।
तो चलिए, ये कई सारी मेडिसिंस थी और कई सारी इफेक्टिव मेडिसिंस मैंने आपको बताई। अगर इसके अलावा भी आपको कोई सिम्टम्स मिल रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, जिसके क्या मैं आपको मेडिसिन बता दूंगी। तो ये मेडिसिंस के नेम थे जो कि आप अपने घर पर रख सकती हैं, मेडिसिन जिनको बार बार रिफेस, स्पेशली फीमेल्स को बहुत ज़्यादा यूरिन इन्फेक्शंस होते रहते हैं, तो आप इनको तुरंत लीजिए, आपको तुरंत अच्छे रिजल्ट्स दिखाई देंगे। बढ़ने मत दीजिए यूरिन इन्फेक्शन को, क्योंकि यूरिन इन्फेक्शन बढ़ता है तो वो वहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है बहुत ज़्यादा, आपकी किडनी तक में प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं। तो चलिए, आज की जानकारी आपको कैसी लगी है तो इसको बताने के लिए आप मेरे वीडियोस को लाइक करिए और शेयर कीजिए, और साथ ही साथ कमेंट करके भी ज़रूर बताइए। और अगर आप मेरे वीडियोस को चाहते हैं कि इसी तरीके से आपको मेडिकल इन्फॉर्मेशंस मिलती रहें और उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें कि जो भी मैंने न्यू वीडियोस डाले हैं मैंने लाइव क्लिनिक के और कोई भी नए वीडियो के, तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब कीजिए, बैल आइकन को ज़रूर दबाइए, तभी आपको सारे नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, सभी को गुड बाय, थैंक यू।